हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस अभी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा काफ़ी अमेजिंग कंटेंट बिकॉज मैं शिमला से निकल चुका हूं और ये कुछ जगह है मशोबरा जो कि शिमला से 1 घंटे की है। सो यहां पे मैं आ चुका हूं और अभी मैं पहुंचने वाला हूं। और सामने यार ये देखो किस तरह का व्यू है, पूरा बाहर से आप देख लो। अच्छा सो यहाँ पे मुझे एक होटल जो है पसंद आई है, एक प्रॉपर्टी मैंने ऑनलाइन सर्च किया था और वहाँ पे जो है कॉटेज टाइप में है, सो कैंपिंग टाइप में है। देखते हैं, अभी मैंने ऑनलाइन इतना कुछ देखा नहीं है, सो मुझे ठीक लगा है। सो चलते हैं अभी और मैं दिखाता हूँ आपको। अभी आप वे देखो यार कितना अमेजिंग है। ये थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, अभी तक पूरा पक्का रास्ता था, सो यहाँ से कच्चा रास्ता है। सो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देता हूँ। ये नीचे की तरफ देखो यार, एक्सेलरेटर की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही, न्यूट्रल में केवल ब्रेक पे पाँव है मेरा। पूरी स्लोप है, यार अभी मेरे को कहाँ जाना है, अच्छा राइट में जाना है। सो ये जो नीचे वाला ये बोर्ड देख रहे हो ना अभी वाइट वाला, ये मशोबरा ग्रीन्स, सो ये प्रॉपर्टी है, इसमें मुझे जाना है। तो अभी मेरे को नीचे की तरफ जाना पड़ेगा इधर। चलो गाइस यही रास्ता था, मैं कंफ्यूज हो गया था, वहाँ पे थोड़ा एक अलग रास्ता जा रहा था। तो यार यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद वापस आऊँगा मैं और आपको दिखाऊँगा यार ढंग से थोड़ा। अभी पहले चेक इन कर लेते हैं। तो गाइज़ अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको यहाँ पे लगाऊँ या फिर ऊपर रूफ़ पे लगाऊँ। सो देख लेते हैं यार कहाँ से अच्छा व्यू आता है। तो यार पहले ही साफ़ करना पड़ेगा। अच्छा सेंटर कहाँ पर है इसका, सो यहाँ पर इसका सेंटर होगा। चलो तो यार ये हो तो गया फिक्स अच्छे से, कोई दिक्कत तो आ नहीं रही है। चलो अब ये गोप्रो मैं इसके अंदर लगा लेता हूँ और फिर आपको मैं ये पूरा जो वे है, जो पूरा कच्चा रास्ता था इस तरह का, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और यार सराउंडिंग आप देख लो, पूरे यहाँ पे पहाड़ी पहाड़ है। ओके सो गाइज अभी अपन जा रहे हैं अप हिल। तो मैंने इसके अंदर ये देखो स्पोर्ट्स मोड डाल दिया और सामने जो गोप्रो है वो कनेक्ट हो गया है। अभी आई होप कि यार कोई दिक्कत नहीं आए इसके अंदर, बिकॉज ये टास्क जो है मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो यार पता नहीं किस तरह से होगा, कोई दिक्कत नहीं आए इसके अंदर, बाकी नहीं आएगी यार आई थिंक। तो चलो आपको मैं सामने वाली फुटेज दिखाते रहूँगा बिकॉज ये जो लोकेशन है यार काफ़ी अमेजिंग है। अच्छा माइलेज की अगर अपन बात करें, सो जो माइलेज है वो अभी ये निकाल रहा है अराउंड 26.4, ये देखो, और हाईवे पे पूरा 30 तक था। और अभी जो ये थोड़े हिल टाइप के एरिया हैं, सो यहाँ पे 26.4 का माइलेज निकल के आ रहा है। तो चलो यार अभी थोड़े आप शॉट्स एंजॉय करो जो पूरा वे है ऊपर मार्केट के जाने का, फिर मैं आपसे बात करता हूँ बाद में। फिर उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे वापस आके मेरा रूम टूर दूंगा और पूरा जो प्रॉपर्टी है उसका टूर दूंगा।
तो यार मज़ा आया ना आपको ये देख के, कितना अमेजिंग ये ट्रैक है। अभी क्या है, मैं वापस जा रहा हूँ बिकॉज़ मैं मार्केट गया था एटीएम से कैश लेने, बिकॉज़ मेरे पास कैश ख़त्म हो गया था और जो जहाँ पे मैंने स्टे किया है सो वो यूपीआई पेमेंट नहीं लेते हैं। सो एटीएम जाके मैं कैश ले आया था, अभी यहाँ पे 1 या 2 किलोमीटर दूर था। सो एनीवेज अभी अपन क्या करेंगे ना, ये गोप्रो को यहाँ पे साइड में कहीं पे माउंट करेंगे, या तो इस तरफ या फिर इस तरफ। सो ये साइड वाला एक बार एंगल लेके देखेंगे कि वो एंगल कैसा आता है। अभी आई गेस ये जो मैंने आपको दिखाया ये आपको परफेक्ट लगा होगा। अभी चलो यार यहाँ पे कहीं पे लगाते हैं ताकि ये टायर वाला एंगल आ सके, तो देखते हैं यार। चलो ड्राइवर साइड पे लगा लेते हैं अपन, डोर पे लगाएंगे। सो गाइज मैंने इस तरफ माउंट कर दिया इसको, बेसिकली पैसेंजर साइड में, बिकॉज़ उस तरफ जो है गाड़ी ज़्यादा दिख रही थी। तो अभी यहाँ से मैं शूट स्टार्ट करता हूँ। और अभी दिक्कत क्या है यार, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख पा रहा है मुझे कैमरा, मैंने जब आगे लगवाया था हुड पे सो वहाँ से एटलीस्ट दिख तो पा रहा था कि कैमरा है, लगा हुआ है, दिख रहा था। अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा है यार कि कोई दिक्कत नहीं आए। बाकी ढंग से मैंने उसको फिक्स कर दिया और गिरे नहीं, बस ये दिक्कत होगी। तो चलो यार अभी जाते टाइम का आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का रहता है। चुका हूँ अभी, देखते हैं हमारा कैमरा हमारे साथ में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। ओ भाई बच गया। चलो तो यार अच्छा माउंट है ये। अभी यार बहुत रिस्क रहती है मेरे को तो सीरियसली। ओ भाई गिर गया, फक। बच गया बच गया बच गया बच गया गाइस, कुछ नहीं हुआ इसको। अभी इस पत्थर पे गिरा था शायद। चलो कोई बात नहीं। सो बच गया गाइस अपना कैमरा तो। सो अभी मैं आपको चलो इस प्रॉपर्टी का टूर करवाता हूँ कि क्या है, और मेरे कॉटेज का भी टूर करवाता हूँ आपको, तो आ जाओ। चलो इस तरफ से एंट्री है और काफ़ी बड़ा प्लेस है यार ये, दिखाता हूँ मैं आपको। तो लिटरली जिस तरह का मुझे चाहिए था ना, बिल्कुल यार वैसा का वैसा। अभी थोड़ा व्यू अच्छा नहीं है बस यहाँ से, बिकॉज काफ़ी सारे ट्रीज़ हैं यहाँ पे, बाकी तो यार एकदम परफेक्ट जगह है ये। ये देखो सो यहाँ पे शायद ये क्रिकेट का पिच बना रखा है, क्या कर रखा है। और ये पूरा रेस्टोरेंट का एरिया है और इधर से अपने ये कॉटेज स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये सारे बैम्बू कॉटेज हैं यहाँ पे, और मेरा वाला कौन सा है वो मैं आपको दिखाता हूँ।
चलो तो इस तरफ है यार मेरा कॉटेज, और कॉटेज नंबर 2 जो ये सेकंड वाला है, ये वाला है मेरा। तो एक बार यार व्यू देख लो कि यहाँ से किस तरह का व्यू आता है, और काफ़ी सारे हैं यार कॉटेज यहाँ पे नीचे तक हैं। तो ये है मेरा कॉटेज, अभी जल्दी से इसका लॉक खोल के, तो ये टिपिकल जो देसी वाला लॉक होता है ना, वो मिला है। अभी इसको खोल लेते हैं, फिर अंदर से मैं आपको एक बार टूर दे देता हूँ। अच्छा, अंदर से मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, बट हाँ चलो कॉटेज है तो इसी तरह के होते हैं कॉटेज तो। बाकी हाँ इतना कुछ वो नहीं है कि काफ़ी फैंसी टाइप में हो। तो चलो लॉक खोल लेते हैं इसका। चलो आओ यार मेरे रूम में आओ आप लोग। चलो गेट के यार ये पत्थर लगाना पड़ता है। तो देखो यार ये बेड है, और ये बैम्बू स्टाइल में पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे टेबल है, 2 चेयर मिली है। अच्छा, LED वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ये वॉशरूम है, और ये है कमोड एरिया। क्या गिर गया? अच्छा गिर गया। और ये शावर एरिया है, तो शावर मेरे को लग रहा है कि शावर है ही नहीं यहाँ पे, बकेट से नहाना पड़ेगा मुझे। सो एनीवेज यार इस तरह का है पूरा। और यार बाहर भी देखो यार बैठने की जगह है काफ़ी अच्छी। ये देखो ये टेबल है छोटी सी, ये छोटी सी चेयर है। तो सभी ही एक तरह के हैं इसमें, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अलग अलग कैटेगरी हो, तो एक ही तरह का है सब कुछ। सो गाइज अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं यार वीडियो एडिटिंग करने वाला हूँ, बिकॉज कल मैंने कोई एडिटिंग नहीं की, कल का दिन बहुत ही गंदा गया था। सो आज मैं एडिटिंग कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, 1 या 2 वीडियो एडिट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में मैं शाम को बैठूंगा और दिखाता हूँ अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो, बिकॉज देखते हैं कि यार यहाँ पे अपन क्या क्या एक्सप्लोर कर पाएंगे। सो आज या फिर कल मॉर्निंग में मैं कुछ एक्सप्लोर करूँगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैकिंग के रूट्स हैं। सो अगर ट्रैकिंग करने का मौका मिलता है सो वो ज़रूर करेंगे। तो यार अभी के लिए वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज काफ़ी अमेजिंग कंटेंट मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए। और अभी ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहे होंगे आपको, आई गेस पूरी सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, पुरानी सीरीज़ भी और अपकमिंग सीरीज़ भी इस ट्रिप से रिलेटेड। सो गाइज अभी के लिए वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। सो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो, बिकॉज काफ़ी सारी अमेजिंग मैं स्टोरीज डाल रहा हूँ वहाँ पे कंटिन्यू। सो इंस्टा पे फॉलो कर लो, हैंडल आपको दिख रहा होगा। सो विद दैट सेड अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।